सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अब एक छाया जहाँ खत्म होती है, सुकून वहीं से शुरू होती है। कौन किसको पूछता है, मतलब के अलावा पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आज का पंचांग 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 5:02 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 8:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 8:35 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। धनु राशि 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम ना करें। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगा तथा आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। इस समय ग्रह गोचर आपके लिए कुछ नई उपलब्धियों का निर्माण कर रहा है जिससे भविष्य में आपको बहुत फायदा होगा। गुस्से को काबू में रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। हर एक बात में अपनी मनमानी करना और लोगों को तुरंत जवाब देने की वजह से गलतफहमियां बढ़ सकती है। काम की जगह आपको गैर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विवाहित लोगों को रिलेशनशिप पर ध्यान देने की कोशिश करनी है। घुटनों का दर्द या घुटने से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। भारी वाहनों के डीलरों के लिए कार्य संबंधित अनुकूलता रह सकती है। कारोबारी भागा दौड़ी ज्यादा करने से थकान की अधिकता भी रह सकती है। कमाई का नया नजरिया बन सकता है। अपनी मनोदशा का विशेष ध्यान रखें। सावधानियां, पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ भी वाद विवाद में ना पड़े, इसकी वजह से आपके मान प्रतिष्ठा में ठेस पहुंच सकती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। विद्यार्थी मौज मस्ती की वजह से अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसी मतभेदों का असर पारिवारिक व्यवस्था पर ना पड़ने दें, इससे परिवार का वातावरण खराब हो सकता है। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम से संबंधित ग्रह अपने चरम पर है और इस कारण ये एक रोमांचक और साथ ही दीवानगी से भरा समय होने जा रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। अपने साथी के साथ कुछ खास योजना बनाएं। ये उसे आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ प्रयास करें और यकीन माने यही चीज बराबर उत्साह के साथ आपका साथी आपको लौटाएगा। ये समय अपने प्यार के जीवन पर पूरा ध्यान समर्पित करने का भी समय है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपको अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए एक व्यवहारिक समाधान मिल सकता है और उसे लागू करने के लिए उचित दिशा में आप पहला कदम उठाएंगे। पिछले कुछ समय से धन की समस्याओं ने आपकी नाक में दम किया हुआ था, परंतु अब आप काफ़ी हद तक इस पर काबू पा पाएंगे। हालांकि ये कदम कुछ मुश्किल हो सकता है, परंतु अंत में आप सही निर्णय लेंगे जो कि काफ़ी हद तक आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा और आप आर्थिक समस्या से बाहर आ पाएंगी। बिजनेस में रिस्क ना लें। अचानक ही किसी पुरानी पार्टी से संपर्क स्थापित होगा और आपको नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। ऑफिस में किसी गलती की वजह से बॉस या उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है।
बात करते हैं सेहत की। अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि जैसी परेशानियों की नियमित जांच अवश्य कराएं। आपको अपने खाने की ओर तुरंत ध्यान देना होगा। आप कई दिन से कुछ ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, और चाहे आपको यह अनुभव बेशक ना हो, लेकिन इससे आपकी सेहत काफ़ी प्रभावित हो रही है। दरअसल आपके शरीर और मन में इकट्ठे हो रहे तनाव का मूल कारण जंक फूड है। जब तक आप अपने खाने का पैटर्न नहीं बदलते, आपके रिलैक्सेशन की तकनीकें विशेष फायदेमंद नहीं होगी। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी के मंदिर में सिंदूर, चमेली के तेल, केवड़े का इत्र, गुलाब की माला चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।